हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं क्लास जो आपका लेकर के आया हूँ, यह आपका हिंदी व्याकरण का सर्वनाम का सेकंड क्लास है। यानी टोटल आपका जो अव्यय चैप्टर, संज्ञा से अव्यय तक का जो चैप्टर चल रहा है, इसमें 11 नंबर का क्लास चल रहा है। ठीक है, एपिसोड नंबर 11, ठीक है ना। और इस चैप्टर का पार्ट नंबर 2 है, इस चैप्टर का पार्ट नंबर 2 है जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहेंगे, सर्वनाम का। ठीक है, तो सर्वनाम का जो पहला था, यानी पहला जो आपका हम पढ़ाए थे, पुरुषवाचक सर्वनाम, अपुरुषवाचक सर्वनाम के जितने भेद हैं उन सभी के बारे में हम पिछली वीडियो में आपको विस्तृत जानकारी दे चुके हैं। अब हम दूसरे नंबर से पढ़ेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम से। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, इनकी पहचान कैसे होती है, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चंद पंक्तियां हम बयां कर रहा हूं, तब तक आप लोग फटाफट लिंक को शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन दबाकर आप ऑल नोटिफिकेशन कर लें, ताकि सभी वीडियो का अपडेट आपको टाइमली रेगुलर मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, तो पंक्तियां, मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। तो अपने हौसले को बरकरार रखिए, अपने हौसले को मजबूत रखिए, क्योंकि जीत आपको लेना है और रास्ता आपको तय करना है, अपने उद्देश्य की प्राप्ति आपको करना है। हम आपको मार्गदर्शन देंगे और आप आसानी से धीरे धीरे हमारे मार्ग पर चलेंगे तो आप लक्ष्य की प्राप्ति कर लेंगे। और मेरा केवल एक उद्देश्य है, आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति कराना। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए हमारे चैनल पर, कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। सभी प्रकार के मटेरियल आपको यहीं दिए जाएंगे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर फॉलो कर लीजिए। वहाँ छोटे छोटे क्विज, पीडीएफ और नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं और टोटल प्लेलिस्ट आपका बना हुआ है। आप जाएंगे, इसमें टोटल जो डिस्क्रिप्शन है उसमें सभी प्रकार के प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर के अपने इच्छा के अनुसार कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे अब सर्वनाम का जो सेकेंड पार्ट है, यानी एपिसोड नंबर 11 में हम लोग पढ़ेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या पढ़ेंगे हम लोग? निश्चयवाचक, यानी जो किसी निश्चित चीज का बोध कराएगा, यह किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध कराएगा। यानी यहाँ दिया है निकट या दूर, निकट या दूर व्यक्तियों वस्तुओं, निकट या दूर व्यक्तियों वस्तुओं का निश्चयात्मक, क्या निश्चयात्मक संकेत, निश्चयात्मक संकेत जिन शब्द से होता है, जिन शब्द से होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे, यहां हमने क्या बताया कि जो निकट या दूर के व्यक्ति या वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत जिन शब्दों से होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी यह निश्चित बोध होगा, किसी भी चीज का निश्चित बोध होगा, चाहे वो निकट हो या दूर हो, चाहे वो नजदीक हो या फिर दूर हो, लेकिन वो इसका निश्चित बोध होगा। ठीक है, जब उसका निश्चित बोध होगा तो वह आपका क्या होगा? यह निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है ना, क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अब इसमें एग्जाम्पल में क्या आता है, जैसे यह, वह, ये, वे। यानी यह नजदीक के लिए, वह दूर के लिए, ये नजदीक के लिए, वे दूर के लिए। तो यह आपका सिंगुलर है, सिंगुलर है, प्लूरल है, प्लूरल है। यानी एक वचन, एक वचन, बहुवचन, बहुवचन। ठीक है ना, तो इसका प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग उदाहरण में देखेंगे, कुछ उदाहरण के द्वारा हम लोग समझते हैं। यह मेरी पुस्तक है, क्या? यह मेरी पुस्तक है। अब यहाँ क्या हो रहा है, यह नजदीक के लिए है, आप हाथ में भी दिखा कर कह सकते हैं यह मेरी पुस्तक है, लेकिन जब दूर रहेगा तो ऐसे कहेंगे वह मेरी पुस्तक है। ठीक है ना, ऐसे दिखाएंगे, उंगली दिखा करेंगे, वह मेरी पुस्तक है, दूर के लिए है। और यह मेरी पुस्तक मतलब आपके हाथ में है, जैसे यह मेरा मार्कर है, लेकिन यही मार्कर दूर होगा तो मैं ऐसे कहूंगा वह मेरा मार्कर है। ठीक है ना, तो आपको समझ में आ रहा होगा। ये मेरे हथियार है, देखिए ये प्लूरल हो गया, प्लूरल मतलब बहुवचन हो गया। ये मेरे हथियार है मतलब आप हथियार लिए रहेंगे, तो ये मेरा हथियार ही है, क्योंकि इसी से मैं लड़ाई करता हूं, इसी से मैं पढ़ाता हूं। ठीक है, तो यह मेरे हथियार है, यह मेरा हथियार, इसको बोलेंगे यह मेरा हथियार। लेकिन यही तीन चार रहेगा तो वह बोलेंगे क्या? ये मेरे हथियार है। ठीक है ना, अब देखिए वह उसकी मेज है, वह दूर के लिए, वह उसकी मेज है। दूर जब रहेगा तो बोलेंगे वह उसकी मेज है, लेकिन जब नजदीक रहेगा तो क्या बोलेंगे? यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी मेज है। ठीक है, वे तुम्हारे आदमी है, वे तुम्हारे आदमी। देखिए दूर के लिए बोल रहे हैं कि अगर उंगली ऐसे दिखाकर बोलेंगे वे तुम्हारे आदमी है, क्या? वे तुम्हारे आदमी है। समझ में आया? तो आपको समझ में आ गया होगा दूसरा नंबर जो निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अब अगला पढ़ेंगे हम लोग, तो पांच अब हम लोग देखेंगे इसमें अगला तीसरा नंबर। यानी आपको पूरा समझ में आ गया होगा दूसरा नंबर, हम लोग तीसरा नंबर देखेंगे
अनिश्चय वाचक सर्वनाम, क्या पढ़ेंगे? अनिश्चय वाचक सर्वनाम। अनिश्चय वाचक सर्वनाम क्या है इसके बारे में हम आपको बताते दिया है, जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है, किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है उन्हें अनिश्चय वाचक सर्वनाम कहते हैं। अब एक बार और ध्यान रखिए, जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है, किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है उन्हें अनिश्चय वाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? अनिश्चय वाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है ना। एक बार और समझिए, जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है, एक मिनट आगे हम बता रहे हैं अभी, तो दोस्तों देखेंगे यहाँ अनिश्चय वाचक सर्वनाम एक बार हम आपको बता देते हैं, थोड़ा सा एक वर्ड गलत हो गया था जिसे हम एडिट कर दिए हैं। अनिश्चय वाचक सर्वनाम होता है जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है। अनिश्चय वाचक सर्वनाम का अर्थ क्या होता है? जिसमें किसी निश्चित चीज का बोध ना हो, किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध ना हो, वह अनिश्चय वाचक सर्वनाम होता है। तो यहाँ दिया भी है, जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है उन्हें अनिश्चय वाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अनिश्चय वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई कुछ यह अनिश्चित का बोध कराया गया, यानी आपको क्लियर पता नहीं होगा। जैसे दिया है, कोई आ गया तो क्या करोगे, यानी अब मान लो कोई चोरी कर रहे हो, कोई काम ऐसा कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो, ठीक है, अगर तो आपके मन में संदेह रहता है, कोई आ गया तो क्या करेंगे, है ना। मान लीजिए किसी के खेत से गन्ना चुरा रहे हैं तो आपके मन में डर रहेगा कि कोई आ गया तो क्या करेंगे। वही चीज है, यह अनिश्चित का बोध करा रहे। कोई आ गया, कोई मतलब किसी का निश्चित नहीं है कौन आ गया, ठीक है, तो कोई आ गया तो क्या करोगे। उसने कुछ नहीं लिया, यहां भी आप देख रहे हैं इसी का बोध हो रहा है, इसमें भी देख रहे हैं दोस्तों कि उसने कुछ नहीं लिया। अब देखिए यहां भी कुछ का बोध हो रहा है, कुछ मतलब कोई पता नहीं है, ठीक ना, इन्फिनिट, कुछ भी नहीं पता है। तो यहां आपका जब आ जाए, किसी वाक्य में कोई आ जाए और कुछ आ जाए, तो वह वाक्य क्या होगा? अनिश्चय वाचक सर्वनाम। क्या होगा? अनिश्चय वाचक सर्वनाम। तो देखिए यहां आप कोई आ गए, अनिश्चय वाचक, प्रश्न आ गया कि दिए गए वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, तो कोई आ गया, कुछ आ गया, तो आप तुरंत पहचान करेंगे यह अनिश्चय वाचक सर्वनाम है। क्या है? अनिश्चय वाचक सर्वनाम है। अब देखिए इसमें नोट में दिया है, कभी कभी कुछ शब्द समूह भी अनिश्चय सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होते हैं। कभी कभी कुछ शब्द समूह भी ऐसे होते हैं जो अनिश्चय सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे कुछ न कुछ ऐसे भी आ सकता है, कुछ न कुछ भी आ सकता है, कोई न कोई भी आ सकता है, सब कुछ भी आ सकता है, हर कोई भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है और कुछ कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। ये भी एग्जाम्पल आप इसे नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, आप जो भी नोट्स बना रहे हैं उस नोट में नोट डाउन कर लीजिए। कुछ न कुछ ये भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, कोई न कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, सब कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, और हर कोई ये भी आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, कुछ भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, और कुछ कुछ ये भी आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। तो ये आपके क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम की पहचान हम कैसे करते हैं, ये हमने बता दिया कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम की पहचान क्या होती है, इससे संबंधित प्रश्न कैसे बनते हैं एग्जाम में, इसके बारे में भी हम बता दिए। चलिए आगे हम लोग देखेंगे 4 नंबर जो दिया है, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या है इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो संबंधवाचक सर्वनाम में दिया है, जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी इसमें 2 सर्वनाम होता है, यानी पहले सर्वनाम से दूसरे सर्वनाम के बीच में जो संबंध स्थापित किया जाता है उसे ही हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है ना। पहले सर्वनाम से दूसरे सर्वनाम के बीच में अगर संबंध स्थापित किया जाता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या होगा? जैसे
जैसे वैसे, जो सो, है ना, जिसका उसका, है ना, देखिए याद दिया है जैसे में, जो सो जिसकी उसकी जैसी वैसी। तो इसका मेन एग्जांपल जो बनता है वो क्या बनता है, जो आया है सो जाएगा, यह ध्रुव सत्य है। यानी जो पृथ्वी पर आया है, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो मनुष्य हो, या फिर जानवर हो, या कोई भी छोटे छोटे पार्टिकल्स भी हो अगर पृथ्वी के, तो जो आया है उसे निश्चित है जाना है, यही ध्रुव सत्य है। तो इसमें आपका क्या आ गया, जो आ गया और सो आ गया, जो और सो, यही आपका क्या है, यह संबंध वाचक, क्योंकि यह पहले से दूसरे को क्या कर दे रहा है, जोड़ दे रहा है, पहले वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ दे रहा है। उसके बाद देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, तो यहां क्या आ रहा है, जैसी और वैसी आ रहा है, तो यह भी अब क्या है, संबंध वाचक सर्वनाम है। ठीक है, अब यहां देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहां भी जिसकी और उसकी आ रहा है, तो जिसकी और उसकी क्या होता है, यह संबंध वाचक सर्वनाम होता है, जिसकी उसकी। उसके बाद यह है, जो सोवेगा, जो सोवेगा सो खोवेगा, सो जागेगा सो पावेगा। ये देखिए इसका कितना बढ़िया एग्जाम्पल है, आप समझ सकते हैं इससे, जो सोवेगा सो खोवेगा, जो जागेगा सो पावेगा। तो यहां क्या आ रहा, जो और सो आ रहा है, तो जो और सो क्या है, संबंध वाचक सर्वनाम है। तो हमने आपको बता दिया, जो सो जिसकी उसकी जैसी वैसी, ये सब क्या है, ये सब आपके संबंध वाचक सर्वनाम है। क्या है, संबंध वाचक सर्वनाम है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको यह स्लाइड में हमने दूसरा तीसरा और चौथा क्लियर करा दिया और आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी आपको समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका जवाब दूंगा, आपको समझाने का दोबारा प्रयास करूंगा, किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं होने देंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर लें, ताकि सभी वीडियो का अपडेट आपको रेगुलर टाइमली मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम अगले स्लाइड में चलते हैं और उसमें भी जो पॉइंट बचे हैं उस पॉइंट को आगे पढ़ाकर खत्म करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखेंगे इसमें जो पांचवा नंबर है, यानी चार नंबर तक हमने आपको सर्वनाम पढ़ा दिया। ठीक है, चार नंबर के बाद पांच नंबर और छह नंबर बचा है, पांच और छह पढ़ाकर क्लियर करते हैं, उसके बाद उसके कुछ फैक्ट हैं, कुछ पहचान है, कुछ नोट्स हैं, वो पढ़ाकर एक वीडियो में और हम खत्म कर देंगे। ठीक है, तो कल ये आपका सर्वनाम खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपका चालू हो जाएगा विशेषण और क्रिया, यही दो तीन चैप्टर बचा होगा, उसके बाद आपका ये सिलेबस हिंदी का खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम, अब प्रश्नवाचक सर्वनाम सुनते ही आपके मन में प्रश्न बहुत सारे बन जाते हैं, कौन, क्या, कैसे, क्यों, ये सारे प्रश्न बन रहे हैं। तो जब ये सारे प्रश्न बन रहे हैं तो यही होते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है ना, जब हम किसी से प्रश्न करते हैं तो क्या का प्रयोग होता है, कैसे का प्रयोग होता है, क्यों का प्रयोग होता है, ठीक है ना, कौन का प्रयोग होता है, तो वही आपका होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या होता है दोस्तों, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है ना, यानी किसी से जब प्रश्न करते हैं तो क्या, कौन, कैसे का प्रयोग होता है, वही प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। एक बार देख लीजिए, प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है ना, प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अब जैसे कौन, क्या शब्द आ गया, कौन आ गया, क्या आ गया, क्या, कौन, क्या। अब देखिए एग्जाम्पल क्या बनता है, कौन आया था, कौन आया था, तो ये आपका कौन आ गया, ये आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। क्या, वह क्या कह रहा था, वह क्या कह रहा था, क्या आ गया, ये आपका क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। क्या मुझे देखे हो, आ गया क्या, क्या मुझे देखे हो, देखे हो, तो यहां क्या आ गया आपका, यहां क्या आ गया, तो क्या आपका क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक ना, उम्मीद है आपको प्रश्नवाचक सर्वनाम भी समझ में आ गया। प्रश्नवाचक सर्वनाम का इतना अर्थ समझ लिए, उसमें कोई ना कोई प्रश्न करेगा, क्या का, कैसे का, कौन का, प्रश्न जब शब्द आ गया, क्या, कौन, कैसे शब्द आ गया, वह प्रश्नवाचक सर्वनाम है, और अंत में क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक सिंबल भी लगा होगा। ठीक है ना, तो बहुत आसानी से आप प्रश्नवाचक सर्वनाम को पहचान सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम हम बता दें कि निजवाचक सर्वनाम वह होता है जो स्वयं के लिए प्रयोग होता है। निजवाचक सर्वनाम वह होता है जो स्वयं के लिए प्रयुक्त होता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अपने आप, स्वयं, खुद, ये शब्द जब प्रयोग होगा तो वो अपने के लिए प्रयोग होगा, तो जो अपने के लिए प्रयोग होता है उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। चलिए देखिए, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम वह है जो आप, यह अपने आप, क्या क्या आएगा, आप आएगा, यह अपने आप, स्वतः मतलब स्वयं, या खुद के लिए प्रयुक्त सर्वनाम है। यानी जो सर्वनाम
देखिए, खुद स्वयं के लिए है, स्वयं स्वयं के लिए है, आप स्वयं के लिए है, अपने आप स्वयं के लिए है, स्वतः स्वयं के लिए है। तो अगर ऐसे शब्द जो स्वयं का बोध कराए, ऐसे शब्द जो स्वयं का बोध कराए, उसे हम क्या कहते हैं? निजवाचक स्वरनाम कहते हैं। यानी स्वयं के लिए जब प्रयोग करेंगे तो वह निजवाचक स्वरनाम होंगे, जैसे हमने आपको बता दिया। अब देखिए, निजवाचक स्वरनाम का कुछ एग्जाम्पल हम बताते हैं आपको। दिया है, यह कार्य मैं अपने आप ही कर लूंगा, यह कार्य मैं अपने आप ही कर लूंगा। तो यहां क्या आ गया? आप आ गया। क्या आ गया? आप। तो आपका मतलब स्वयं कर लूंगा, अपने आप मतलब स्वयं कर लूंगा, यह काम मैं स्वयं कर लूंगा, अपने आप कर लूंगा। या आ गया, मैं स्वयं खा लूंगा, मैं स्वयं खा लूंगा, खा लूंगा। अब यहां देखेंगे क्या आ गया? स्वयं आ गया। तो जो शब्द स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं, जो शब्द स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं, वो निजवाचक सर्वनाम होते हैं। क्या होते हैं? निजवाचक सर्वनाम होते हैं। तो दोस्तों, फटाफट लाइक करिए वीडियो को। आप लाइक नहीं करते, फटाफट लाइक करिए वीडियो को, और अगर कहीं भी आपको समझ में आया तो कमेंट जरूर करिए, ताकि मैं आपको उसे दोबारा समझा सकूं। ठीक है, चलिए। अब हम लोग निजवाचक सर्वनाम का क्या, कौन कौन सी स्थिति में इसका प्रयोग होता है? तो निजवाचक सर्वनाम आपका प्रयोग इन स्थितियों में होता है। जो आप शब्द है, उस आप शब्द पर कहां कहां प्रयोग होता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहली स्थिति क्या है? किसी संज्ञा सर्वनाम के अवधारण निश्चय के लिए, यानी किसी निश्चित वस्तु, किसी निश्चित व्यक्ति के बारे में बताने के लिए हम आप शब्द का प्रयोग करते हैं। मैं आप वहीं से आया हूं, यानी मैं आप, यानी दो लोग हैं तो उन्हें बताया जा रहा है, इसे निर्देशित किया जा रहा है किसी निश्चित के लिए। मैं और आप वहीं से आया हूं, समझ में आया? यानी कहीं भी गए थे, एक ही जगह से आए हुए हैं। तो मैं आप वहीं से आया हूं, तो यहां जो आप है या किसी निश्चित का बोध करा रहा है। क्या? किसी निश्चित का, अवधारणा का बोध करा रहा है। दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे, दूसरे व्यक्ति के निराकरण के लिए, दूसरे व्यक्ति के निराकरण के लिए, जैसे वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है। यानी यहां क्या कह रहा है? दूसरे व्यक्ति के निराकरण के लिए वह कह रहा है कि वह औरों को नहीं, दूसरे व्यक्ति को नहीं, स्वयं को सुधार रहा है। समझ में आया? वह औरों को नहीं, अपने को सुधार रहा है, यानी दूसरे को नहीं कर रहा कुछ, वह स्वयं अपने आप परिवर्तन ला रहा, अपने आप को सुधार रहा है। तो ये आपका क्या हो गया? यह आपका जो हो गया, ये निराकरण के लिए। क्या हो गया? निराकरण के लिए। और तीसरा इसका नियम है, सर्वसाधारण के अर्थ में, सर्वसाधारण के अर्थ में, यानी आप भला तो जग भला, जैसे कहावतों में प्रयोग होता है, आप भला तो जग भला है, मैं भला हूं तो पूरा जग भला है। तो ये आपका आप आ गया। तो ये किस लिए है? सर्वसाधारण के लिए, ठीक है ना। और अपने से बड़ों के आदर के लिए भी, अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, तो अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, यहां क्या आ गया? अपने आ गया। तो ये क्या है? यही आपका क्या है? ये आपका निजवाचक सर्वनाम है। यह आपका क्या है? निजवाचक सर्वनाम है, ठीक। तो यहां अपने आ गया, यहां आप आ गया। तो इन सभी से क्या पता चल रहा है कि जो निजवाचक सर्वनाम है वह स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जो निजवाचक सर्वनाम है वो स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये हमने आपको बहुत आसान शब्दों में पूरा सर्वनाम का निचोड़ हमने बताया। कल हम सभी सर्वनामों को एक छोटे से वीडियो में पिरो कर भेजेंगे, जो आपको बहुत आसान शब्दों में, वह आपका पूरे वीडियो का, यानी पूरे चैप्टर का निचोड़ रहेगा शॉर्ट में, ठीक है। कैसे हम याद करते हैं, तो पहले जब आप ये बेसिक पढ़े रहेंगे तभी आप ट्रिक समझ पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों, आज मैं इस क्लास को यहीं एंड करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर लें, ताकि सभी वीडियो का अपडेट आपको टाइमली मिलता रहे। और दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आप सभी वीडियो का वहां से प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जहां से आपको अलग अलग कोर्स का, वहां आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप अपने इच्छा अनुसार किसी भी कोर्स में इनरोल करते हैं, कर सकते हैं, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा। और वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी लिंक दिया गया है, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जा सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं, जहां पर छोटे छोटे क्विज, नोट्स और पीडीएफ दिए जाते हैं, ठीक है। तो आज मैं क्लास को एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।